हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो विसोजी। तो गाइस यार, यहाँ पर फाइनली वीवो जेड वन प्रो में एक और न्यू अपडेट को रोल आउट कर दिया गया इंडिया में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में, देखेंगे कौन सा वर्जन का अपडेट है, कितना चेंजेस दिखने को मिलते हैं और कितना बड़ा अपडेट। साथ ही साथ गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीवो जेड वन प्रो में अभी तक एंड्रॉयड 11 अपडेट को रोल आउट नहीं किया गया, तो आज की वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में भी बात करेंगे कि एंड्रॉयड 11 अपडेट को इंडिया में कब रोल आउट किया जाएगा और आप सभी लोगों को एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब मिलेगा। तो इसलिए गाइस, आज की वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बता देता हूँ, जिसका कि नाम है अल्टीमेट ऐप। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में ढेर सारे एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं लेकिन आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एक ऐप में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिससे कि आपके मोबाइल में स्पेस भी सेव होगा। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, साथ ही साथ 5-स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यार, ये रहा वीवो जेड वन प्रो का न्यू अपडेट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस अपडेट की इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया है विशाल भाई ने, तो बहुत ही धन्यवाद उनका। और अगर आपको भी कोई भी अपडेट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं हम लोग अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो करेंट वर्जन है वो है 6.70.16 और जो अपडेटेड वर्जन है वह हमें मिलता है 6.70.17। अब बात करें हम लोग इस अपडेट के साइज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट का साइज़ हमें मिलता है 254.58 MB, यानी कि लगभग 250 MB का अपडेट है। देखा जाए ठीक ठाक सा अपडेट दिया गया है। उसके बाद गाइस बात करें चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ सिस्टम में चेंजेस दिखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिग्नल एंड डेटा नेटवर्क कनेक्शन। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका मोबाइल है वीवो जेड वन प्रो, उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आते रहता है वीवो जेड वन प्रो में। तो ऐसे में जो नेटवर्क का इशू है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि अब आपको बात करते समय या फिर जब भी आप नेट यूज़ कर रहे हैं यानी कि डेटा यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेटेड टू द मार्च 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो कैसे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के गूगल सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे कि पहली बात तो आपके मोबाइल का जो गूगल सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ आप सभी को मिल जाएगा अपने मोबाइल में मार्च 2021 के गूगल सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो जिन लोगों को अपडेट मिल चुका है अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए, जिन लोगों को नहीं मिला आप लोग एक हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए, सभी लोगों के अब मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो अपडेट है वो मिल जाएगा। उसके बाद गाइस अब बात करें हम लोग एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में, तो गाइस एंड्रॉयड 11 अपडेट की रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। यहाँ पर वीवो ने भी एंड्रॉयड 11 अपडेट को रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं किया है, लेकिन गाइस आप लोग एक महीने का इंतज़ार कीजिए, एक महीने के अंदर जल्द ही जल्द वीवो जेड वन प्रो में एंड्रॉयड 11 अपडेट को रोल आउट कर दिया जाएगा इंडिया में, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सभी मोबाइल में रोल आउट कर दिया जा रहा है, जैसे कि वीवो Y12, Y15, अब वीवो Y19 और S1, इन सभी डिवाइस में रोल आउट कर दिया गया, तो बहुत जल्द वीवो जेड वन प्रो में भी अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीवो जेड वन प्रो के जो एंड्रॉयड 11 अपडेट है वो अगर रोल आउट किया जाए तो सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सके, ताकि आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पर एंड्रॉयड 11 अपडेट को इंस्टॉल मतलब रोल आउट कर दिया गया है। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।